ये इलीगल होगा कि बकरा ईद हो और मीट की कोई हैवी डिश ना बने। सो व्हाट्स इन टुडेज मेन्यू? ये एक ऐसी डिश है जो बीफ की बने या मटन की बने मुंह में जाते ही घुल जाएगी और आप फ्लेवर्स की दुनिया में खो जाएंगे। यस, इट्स निहारी, अ स्लोली कुक्ड मीट स्ट्यू। इसको हम दो स्टेप्स में बनाएंगे। स्टेप वन में हम निहारी मसाला रेडी करेंगे, ऑब्वियसली होममेड, बिकॉज एवरीवन नोज होममेड इज़ द बेस्ट। उसके लिए हमें कुछ साबुत मसाले चाहिए, जिसमें हमने लिया है ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, कड़ी पत्ता, बड़ी इलायची और छोटी इलायची, काली मिर्च, जायफल और जावित्री का एक एक पीस और सौंफ। इन सब मसालों को हमने अच्छे से भून लेना है। जब इनमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी तो इनको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर हम एक ब्लेंडिंग जार में इनको डाल लेंगे। उसके बाद इसको हम ब्लेंड करेंगे और एक फाइन पाउडर बना लेंगे। नाउ यू कैन सी द फाइन पाउडर, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं सारे। अब हम इनमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें है लाल मिर्च, अदरक का पाउडर, नमक और धनिया पाउडर। इन सब की क्वांटिटी मेंशन है वीडियो में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इन सब स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड यू कैन सी दिस ब्यूटी, आवर निहारी मसाला इज़ रेडी। नाउ लेट्स गो टू द किचन टू परफॉर्म फर्दर स्टेप्स। आजकल तो गोश्त की बादशाह है और गोश्त की ही सुनी जाती है, सो हमने भी गोश्त की ही सुनी है। गोश्त ने हुक्म दिया है कि प्याज को भुलाया जाए और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के गोल्डन ब्राउन कर लिया जाए। हमने भी गोश्त की सुनी और प्याज को लिया है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के तेल में डाल दिया है ताकि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए और गोश्त की रंगत में मज़ीद इजाफा हो सके। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसको एक प्लेट में निकाल के साइड पर रख लें बाद में यूज़ करने के लिए। उसके बाद गोश्त के ऑर्डर आए कि लहसुन और अदरक को पीस के लाया जाए और उनकी रॉ स्मेल सारी ख़त्म कर ली जाए उनको भून भून के। हमने भी यही किया, अदरक और लहसुन को पीसा और उनको अच्छे से भून लिया ताकि उनकी कच्ची स्मेल चली जाए, ताकि जब गोश्त आए तो कुछ भी कच्चा बाकी ना रहे। नाउ द किंग इज़ इन द पॉट, गोश्त को भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब अगर वो किंग है तो क्या हुआ, इसका मतलब हम उसे भूनेंगे नहीं। गोश्त को अच्छे से भून लेंगे, जब उसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम उसमें द लव ऑफ द मीट फॉर दिस रेसिपी इज़ निहारी मसाला ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे गोश्त के साथ और थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और इसको भूनेंगे ताकि किंग की भी सारी कच्ची स्मेल चली जाए। उसके बाद फ्राइड अनियंस ऐड करेंगे और फ्राइड अनियंस ऐड करने के बाद भी इसको हम थोड़ी देर और भूनेंगे और उसके बाद इसमें हम ऑलमोस्ट 2 लीटर्स ऑफ वाटर डाल के इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि अब ही सारी निहारी रेडी होनी है। ये 4 घंटे ऑलमोस्ट पकता रहेगा, पर ऐसा नहीं करना कि आप 4 घंटे इसको रख के भूल जाएंगे, बीच बीच में देखते रहें। एंड नाउ आफ्टर 4 आवर्स आवर निहारी इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अब देख सकते हैं कि हाउ ब्यूटिफुली द मीट इज़ कुक्ड। इतना नरम हो गया है, गोश्त की सारी सख्ती ख़त्म हो गई है। नाउ द फाइनल स्टेप इज़ हमने थोड़ा सा आटा लेना है, ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून मैंने लिया है। इसको भी हमने अच्छे से भून लेना है ताकि इसकी कच्ची स्मेल सारी चली जाए। उसके बाद हमने इसको थोड़ा ठंडा करना है, गरम गरम आटा नहीं यूज़ करना फर्दर। ठंडा हो जाएगा तो इसको ग्लास में डाल लें और इसमें पानी मिक्स करें और इसकी स्लरी बना लें। स्लरी बन जाएगी जब, तो इसको हमने अपनी निहारी में डालना है अपनी ग्रेवी को थिक करने के लिए। इसको हमने सारा इकट्ठा नहीं डाल देना, इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है और साथ साथ पकाते जाना है ताकि हमारी निहारी थिक होती जाए तो हमें पता चल जाए। नाउ द निहारी इज रेडी। नाउ इसको अब सर्व करेंगे हम अपनी मज़ेदार निहारी को जिंजर के साथ, ग्रीन चिलीज के साथ और लेमन के साथ। एंड इट वॉज सुपर 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 टेस्टी। थम्स अप टू माई निहारी। ओके, बाय।